सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया नवां अंकड़ा, कहा भारत में टाइगरों की गिणती वध के हुई 3167। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का आनंद माणते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कंट्रोल रेखा उत्ते सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी घुसपैठिया किया हलाक, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई में पंजाब कैबिनेट की बैठक भलके, बैठक में ले जा सकते हैं बड़े फैसले। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में टाइगर की आबादी लेके अंकड़ा जारी किया, दस्सिया कि 2022 भारत में टाइगर की गिणती 3167 से। अंकड़े अनुसार देश में 2006 टाइगर की आबादी 1411, 2010 1706, 2014 2226, 2018 2969, 2022 3167 से। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने मौके आयोजित एक प्रोग्राम के उद्घाटनी सैशन में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का आनंद भी माणिया। IBCA का मकसद टाइगर और शेर समेत दुनिया की बिग कैट परिवार दीआं 7 प्रमुख प्रजातियों की रक्षा और सुरक्षा करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमृतकाल का टाइगर विजन नाम की एक किताब भी रिलीज़ की, जो अगले 25 सालों में देश में टाइगर की सुरक्षा लिए दृष्टिकोण पेश करती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कंट्रोल रेखा LOC उत्ते घुसपैठ की एक वड्डी कोशिश सफल करदिआं फौज ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए मार सुटिआ। अधिकारी ने दस्सिआ कि शाहपुर सैक्टर में तड़के तकरीबन 2:15 तीन शक्की अतवादियों की घुसपैठ की कोशिश उस वेले असफल कर दी गई, जदों कंट्रोल रेखा उत्ते पहरा दे रहे फौज के जवानों ने घुसपैठियों भारतीय सरहद में दाखिल होने की कोशिश करते वेख्या अते उन्हां उत्ते गोलीबारी की। जम्मू स्थित फौज के जनसंपर्क अधिकारी लैफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा कि फौजियों ने दरमियानी रात को पुंछ में कंट्रोल रेखा उत्ते सरहदी बाड़ कोल घुसपैठियों की शक्की गतिविधि वेखी। लैफ्टिनेंट कर्नल आनंद अनुसार मुहिम दौरान एक लाश मिली और होर घुसपैठिए जंगल में दौड़ गए। इलाके की घेराबंदी की गई है और घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक भलके 10 अप्रैल 2023 को 10 बजे सिविल सक्रेतरीत चंडीगढ़ में हो रही है। मीटिंग मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई में होगी, जिस में कई बड़े फैसले किए जा सकते हैं। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह GTO ने रणजीत सागर डैम का दौरा किया, शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट का जायजा लिया। हरभजन सिंह GTO ने पावर हाउस से ग्रिड सब स्टेशन का बरीकी दौरा किया, भरोसा दिता कि आने वाले पैड़ी सीजन दौरान रणजीत सागर डैम बिजली पूर्ति लिए अपनी पूर्ण समर्था नाल काम करेगा। बिजली मंत्री ने शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट का दौरा करन समय PSPCL अते जल स्रोत विभाग के अधिकारियों को मिथे समय में शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट को पूरा करने के आदेश दिए। इस मौके बिजली मंत्री ने रणजीत सागर डैम के शहीदी स्मारक उत्ते जाके इस डैम की उसारी समय शहीद होए कर्मचारियों को श्रद्धांजलि भी भेंट की। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री सरदार लालजीत सिंह भुल्लर वालों पट्टी तो शिमला दरमियान पंजाब रोडवेज की बस सेवा की शुरुआत करने के नाल ही यह पहला मार्का बन गया, जदों पट्टी तो शिमला लई पंजाब रोडवेज की बस सर्विस शुरू हुई है। पट्टी बस स्टैंड तो हरी झंडी विखाने तो उपरंत कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली सरकार वालों लोगों की सहूलत को मुख रखदिआं पंजाब के वख-वख शहरों तो होरना सूबों वल बसां चलाईआं जा रहीआं ने। उन्हां दस्सिआ कि पंजाब रोडवेज फन बस की बस पट्टी बस स्टैंड तो सवेरे 10:20 से चलेगी और वाया अमृतसर जलंधर से चंडीगढ़ हुंदिआं रात 10:30 शिमला पहुँचेगी। इस तरह अगले दिन सवेरे 7:10 से शिमला तो चल के उसे रस्ते वापसी करेगी और शाम करीब 7:30 पट्टी पहुँचेगी। उन्हें कहा कि बस का एक पास का किराया 585 रुपये निर्धारित किया गया। श्रोमणी अकाली दल बादल के मरहूम आगू से सबका खेतीबाड़ी मंत्री जथेदार तोता सिंह की पहली बरसी अज मनाई गई। इस मौके बड़ी गिणती में पंथक और सियासी आगुओं ने शिरकत की। सब तो पहला श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की रबी बाणी के सहज पाठ के भोग पाए गए, भोग तो उपरंत अरदास की गई। इस मौके श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने भी जथेदार तोता सिंह को श्रद्धांजलि भेंट की, कहा कि उन्होंने जथेदार तोता सिंह तो
बहुत कुछ सीखे। इस दे नाल ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने जहेदार तोता सिंह वालों श्रोमणी अकाली दल लई कीते कार्यां दा जिक्र कीता। अज जसदा तोता सिंह जी की पहली जी बरसी है, वो संबंध में सारे इलाका इकट्ठा होया अरदास बेनती करने वास्ते, परिवार नाल दुख साझा करने वास्ते, उन्होंने याद करने वास्ते, उन्हां दी जीवनी बारे सारिया गल्लां होईयां, ते इस संबंध में इत्थे आए। जहेदार तोता सिंह जी जिन्हां दी रहनी बहनी ते कहनी तिने चीज़ां एक सुरता दे विच गुरमत अनुकूल चलदियां सी, और पिछले समय दौरान साढ़े कोलों वो बिछड़ गए। अज उन्हां दी सलाना ये जिहड़ा बरसी दे तौर पर सारे इकट्ठे होए हैं, तो अज का इकट्ठ जिहड़ा आ लोगों की आमद एडे पद्धर से ये दर्शाती आ कि जहेदार तोता सिंह जी ने अपनी जिंदगी दे जथेदारी कल्चर ना जिंदगी अपनी सारी कढ़ी, क्योंकि मेरे नाल मैंबर भी रहे वह और सातों काफ़ी सीनियर सके। आ मैं हुण ज्यादा प्रधान बनिया, कोई दिन नहीं सी हुंदा जदों टैलीफोन ना करना, तो चंगा कोई ना कोई रोज़ सुझा देंदे सी। जे श्रोमणी अकाली दल के तौर पर गल कर लवां तो लंबा अरसा 1975 तो लैके जेलां भी कटियां, जूझते भी रहे, तो पंथ ने माण भी बड़ा बड़ा बख्शिश किया। सीनियर मीत प्रधान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के पंथ रतन जहेदार गुरचरण सिंह जी टौड़ा के नाल रहना ये उन्हां दी एक बड़ी उपलब्धि सी। तो जे MLA बने पहला मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर सेवावान निभाइया, फिर कैबिनेट के वजीर के तौर पर भी सेवावान निभाइया। सो अज मैं समझदा श्रोमणी अकाली दल यहोजे रंगले सज्जन की संगत तो जिहड़ा वांझा हो गया, पर गुरु साहब कृपा करन जिहड़ियां उन्हें पिरतां पाईआं उन्हां पिरतां ते अज मैं तां समुचे अकाली दल दे छोटे वर्करां नूं भी कहना चाहुंदा कि इदां दे जिहड़े जीवन जीवन वाले मनुख उन्हां दे जीवन अनुसार जिहड़ा जिंदगी दा जीवन सियासत दा जीवन धार्मिक जीवन भी जीवन दी लोड़ आ। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल के 6वें मुखी सिंह साहब जथेदार अकाली बाबा फूला सिंह जी के 200 साल शहीद दिहाड़े, जथेदार जसा सिंह रामगढ़िया के 300 साल जन्म दिहाड़े समर्पित दिल्ली फतेह दिवस में मुख रखद जरनैली फतेह मार्च छत्तापुर तो आरंभ होकर लाल किला मैदान तक पहुंचा। इस मौके वड्डी गिणती में संगत ने शमूलियत की। बुढ़ा दल के मुखी बाबा बलबीर सिंह 96 करोड़ी, दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका, जनरल सकत्र जगदीप सिंह कालों, धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन जसप्रीत सिंह करमसर, आत्मा सिंह लुबाणा तो इलावा दिल्ली कमेटी के समूह मैंबर मौजूद रहे। इस मौके चढ़दी कला टाइम टीवी के डायरैक्टर हरप्रीत सिंह दर्दी ने भी शिरकत की। इस तो बाद धार्मिक समागम करवाए गए जिस में रागी जथिया ने संगत को हर जस नाल निहाल किया, निहंग सिंह ने गतके के जोहर विखाए तो लाइट एंड साउंड शो करवाए गए। अज दिल्ली फतेह दिवस के संबंध में जरनैली मार्च जरा गुरुद्वारा बैनू टिल्लो साहब तो शुरू होया और हुण लाल किले वर कूच कर रहा है। साढ़े नाल पंथ पंदे मोहन जरनैल बाबा बुढ़ा दल के मुखी बाबा बलबीर सिंह जी 96 करोड़ी वह संगत दे विच नाल अपने दल पंथ दे नाल पहुंचे। उन्हां दे नाल बाबा जोगा सिंह जी, बाबा तरसेम सिंह जी मोरावाली और समूचा दल पंथ बाबा निहाल सिंह जी, सुर सिंह वाले बीधी चंदे, वह सारिया अपने जथेबंदियों लैके इतने पहुंचे। और जिस तरीके दे नाल जाओ जलौल दे नाल खालसे दी ओ जित दा प्रतीक खालसे दे झूल दे निशान जिन्हें लाल किले फतेह किया सी अज सारे उहदा हिस्सा बन रहे। मैं समूची दिल्ली की संगत का कोटान कोट धन्यवाद करदा कि इन्ने वड्डे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और गुरु महाराज दी खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। संगत जी ये जरनैली मार्च जिहड़ा अज दा बहुत ही महान है। मैं संखेप दे विच आप जी नाल गल करा कि 1783 नूं सिख जरनैलों ने बाबा बघेल सिंह, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया आदि जरनैलों ने जो 1000 साल तो मुगलिया हुकूमत जिहड़ी लाल किले दे उत्ते इस देश दे उत्ते राज कर रही सी उस दीआं जड़ां पट्टियां सी दिल्ली फतेह कीती सी, और ये जो दिल्ली फतेह कीती सी उस तो बाद दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस इतिहास नूं उजागर करना शुरू किया। और जगह जगह के उत्ते जो दिल्ली दे विच स्थान है, चाहे वह तीस हजारी है, चाहे मिठाई पुल है, मोरी गेट है, होर बहुत सारिया ऐसिया जगह है जिहड़ियां सिख इतिहास के नाल संबंधित है, उन्हां दा इतिहास
आम संगत तक पहुँचाने ये दिल्ली फतेह दिवस मनाया जाता है और विशेष तौर के उत्ते जरनैली मार्च कढ़न का जो मकसद है जाहो जलौल शानो शौकत दे नाल हाथी घोड़ियां दे उत्ते सवार होके निहंग सिंह फौजां जिहड़ियां वो प्रदर्शन कर दियां अपने खालसे का कि खालसा खालसे ने फतेह की साडे जरनैलां ने फतेह की सी। सो अज उस उपलक्ष्य दे विच जिते लाल किले समागम हो रहे हैं उत्थे नाल ही इस छत्ता पुल तो लैके लाल किले तक यह जरनैली मार्च कढ़िया जा रहा जो कि निहंग सिंह फौजा इत्थे पहुँच चुकिया 96 करोड़ बुढ़ा दल बाबा बलबीर सिंह जी की अगवाई में सारिया निहंग जथेबंदियां इत्थे पहुँचिया अपने दल बल दे नाल और सारिया जथेबंदियां दे नाल दिल्ली की सिख संगत वड्डी गिणती दे विच नौजवान इत्थे पहुँचे आ और इस फतेह मार्च के जिहड़े शामिल हो रहे हैं। जिहड़ा दिल्ली फतेह मार्च है जदों बाबा जस्सा सिंह जी आलूवालिया श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल के चौथे जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जी के चौथे जथेदार उन्होंने अगवाई दे बाबा बघेल सिंह जी बाबा तारा सिंह जी घेबा जी भाई मां सिंह जी शुकर चक्किया जी तो सारिया ने जदों बाबा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया जी तो दिल्ली फतेह की जिहड़ा दिल्ली फतेह दिवस में जिहड़ा जदों आपां दिल्ली फतेह दिवस मनाउंदे आ ते उन्हां याद करदे आ ते अज जिहड़ा 200 साल नाल ही सिंह साहब जथेदार बाबा अकाली फूला सिंह जी जिहड़े बुढ़ा दल दे 6वें जथेदार सी श्री अकाल तख्त साहब दी वी 6वें जथेदार सी ते उन्हां दी 200 साल शहीदी शताब्दी नूं समर्पित ये जिहड़ा शहीद फतेह मार्च दिल्ली फतेह मार्च अज उन्हां दी शहीदी नूं समर्पित है ते नाल ही बाबा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया जी उन्हां दी 300 साल जिहड़ी है जन्म शताब्दी नूं समर्पित ये जिहड़े विशाल दिल्ली दे विच जिहड़े लाल किले के सामने प्रोग्राम दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों करवाए जा रहे ने जिथे दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बहुत वधाई दे पात्र ने क्योंकि पिछले 2-3 साल जिहड़े कोविड करके भी नहीं प्रोग्राम हो सके ते होर भी बहुत उतरा चढ़ा आए जिहदे करके जिहड़े प्रोग्राम जिहड़े नहीं मनाए जा सके ते हुण इन्हां ने ऐतकी बहुत वड्डा उपराला कीता ते जिहड़े आपां दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ते नाल जिहड़े इन्हां दी जिन्नी टीम है उत्थे ही निहंग सिंह जथेबंदियां दे सारे मुखी साहिबान जिन्हां दे विच बाबा अवतार सिंह जी दल पंथ बाबा विधि चंद जी सारे निहंग सिंह जथेबंदियां दे मुखी साहिबान जिहड़े अपनियां हाजरियां लवा रहे ने। खालसे का साजना दिवस विसाखी का दिहाड़ा सिखां दे चौथे तख्त श्री दमदमा साहब विखे जाहो जलाल नाल मनाया जाता है जिथे देश विदेश तो श्रद्धालु नतमस्तक होण आउंदे ने। खालसा साजना दिहाड़े नूं समर्पित समागम भलके यानी कि 10 अप्रैल तो शुरू हो रहे हैं जिस संबंधी तख्त साहब के हैड ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह कीर्तपुरिया ने जानकारी साझी की है। सत श्रीकाल जी, तुसीं देख रहे हो चढ़दी कला टाइम टीवी, मैं जगसीर पुल्लर। असीं पहुंचे हैं तख्त श्री दमदमा साहब विखे खालसा साजन दिवस नूं लैके साडे नाल तख्त श्री दमदमा साहब के हैड ग्रंथी भाई जगतार सिंह जी नूं पुछदे हां। वाहिगुरू खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुहाडा स्वागत है बहुत चढ़दी कला ते बाबा जी की कहना चाहोगे इत्थे प्रबंध नूं लैके? सतसंग जी, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 1700 ईस्वी के इस पावन स्थान विखे खालसा पंथ का साजना दिवस मनाया ते सतगुरां दी चलाई मर्यादा अनुसार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तख्त साहिब दे समुचे प्रबंध वालों माणयोग सिंह साहिब जी संगतां दे सहयोग दे नाल हर साल दी तरह खालसा पंथ दा साजन दिवस तख्त साहिब विखे मनाया जांदा है। इस वार भी 12, 13, 14, 15 अप्रैल नूं खालसा पंथ दा साजना दिवस मनाया जा रहा है। उहदे संबंध विच विशेष दीवान जिहड़े हन 10 अप्रैल तों लै के 12 अप्रैल तक धार्मिक दीवान कीर्तन कथा ढाडी वारा दे दीवान सजनगे। 13 अप्रैल नूं कवि दरबार भाई डाल सिंह दीवान हाल तख्त साहिब दी बैकसाइड उसे होना है ते 14 अप्रैल विसाखी वाले दिहाड़े दिन खालसा पंथ दे साजना दिवस वाले दिन भी अमृत वेले 3 बजे तो लैके दोपहर 2 बजे तक विशेष तौर पर दीवान सजनगे जिन्हां विच गुरु के कीर्तनीए ते ढाडी साहिबान रागी साहिबान कविशर साहिबान गुरमत विचारां इतिहासक विचारां दे नाल संगतां नूं निहाल करनगे। ਉੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ
भारतीय फौज के जवान करते हैं। ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर अमन आनंद, ऑफिसर कमांडर करनल सुनील यादव की देखरेख में कैप्टन मानिक शर्मा, सूबेदार मेजर निक चंद, हवलदार हरसेवक सिंह पैदल यात्रा मार्ग से बर्फ की स्थिति जानने लिए श्री हेमकुंड साहब पहुंचे। मौसम को देखते हुए फौज के जवानों ने भरोसा दिता है कि फौज वालों 20 अप्रैल तो बर्फ हटाने और मार्ग साफ करने का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 20 मई को शुरू होने वाली इस यात्रा लिए किसी को भी किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। श्री हेमकुंड साहब ट्रस्ट के प्रधान नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने कहा कि श्री हेमकुंड साहब अजे भी तकरीबन 10 फुट तक बर्फ जमी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के सहयोग नाल यात्रा को सुखाला बनाया जाएगा। देश विदेश तो बड़ी गिणती में सचखंड श्री हरिमंदर साहब में मत्था टेकने लिए पहुंचने वाली संगतों की सहूलत के मद्देनज़र श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरप्रीत सिंह को सरावां का मैनेजर नियुक्त किया गया। इस तो पहले भी गुरप्रीत सिंह बतौर मैनेजर सरावां की सेवा निभा चुके हैं। इस मौके गलबात करते हुए मैनेजर गुरप्रीत सिंह ने दसा कि श्रोमणी कमेटी वालों मिली इस जिम्मेवारी वो पूरी तनदेही निभाएंगे और विसाखी मौके देशों विदेशों तो सचखंड श्री हरिमंदर साहब पहुंचने वाली संगतों को किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पवेगा। साबका कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह रामू वाले बठिंडा दौरे पर आए। इस मौके उन्होंने पत्रकारों के रूबरू होंदिया बादल परिवार को निशाने उत्ते लिया। उन्होंने कहा कि बादलों ने उन्होंने चार मामलों उत्ते वादे किए सन ते इस दे नाल ही उन्होंने अपनी लोक भलाई पार्टी खत्म करके श्रोमणी अकाली दल में शमूलियत की सी, पर अज तक वो वादे वफा नहीं हुए। उन्होंने दावा किया कि पांच बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल ने कदे भी सिक्ख्या सुधार लिए कदम नहीं चुके। उन्होंने कहा कि जेकर बादल परिवार के तिने जी उन्होंने बहस करना चाहन तो वह बहस कर सकते हैं। मैं लोक भलाई पार्टी नूं दोबारा सरगर्व करता 36,000 मैंबर इहदे सी जदों मैं तोड़ी सी सत्त अठ वादे लैके अकाली दल तों मैनूं कोई लोड़ नहीं सी तोड़न दी। ते मैनूं पता सी छोटियां पार्टियां उदों चलदियां सी हुण इहनां दी चल गई। सारी दुनिया के विद्वानां ने कहता कि वंशवाद उहदे विच धनवाद आउंदा पैसावाद ये तबाह कर दिंदा। अज अकाली दल ने इस तबदेके ने हैजे ने करोना ने अकाली दल नूं खा लिया। कोई बादल बूदल कोई उहदे बंदे कोई नहीं बचे, सब ऐसे काम पे वंशवाद पे। अगली बेनती करदा कि मैं तुहानूं पहला भी कहा जे मेरे नाल बहस करनी है इन्ने आ जाण, बीबा जी आ जाए नाले आ जाण। ये किसी सिखां दे मसले ते 25 मिंट तिने जाने बहस नहीं कर सकते। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਕਿ 11 ਲੱਖ ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੌਰਵ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 0 ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ। ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਰੇਂਜ ਰੂਪਨਗਰ ਕੈਂਪ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰੱਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਖੇਪ ਲਿਆ ਰਹੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 350 ਕੁਇੰਟਲ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SSP ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਕੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ IGP ਸਾਹਿਬ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਸਟਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੇਂਜ ਦੀ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 350 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਧੋਪੁਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 7 ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਡਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੁੱਕੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੇਠ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਦੇ ਬੈਕਵਰਡ ਫੋਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ।
अमृतसर के थाना रणजीत एवेन्यू की पुलिस को उस वेले वड्डी कामयाबी मिली जदों पुलिस ने कार खोहण के मामले में तीन दोषियों खोही हुई कार समेत काबू किया। इस मौके ADCP प्रभजोत सिंह विरक ने जानकारी दिंदा दस्सिया कि पिछले दिनी सौरव बंसल नामी व्यक्ति तो तीन दोषियों वालों गन पॉइंट उत्ते उसकी स्विफ्ट डिजायर खो ली गई सी, जिस संबंधी थाना रणजीत एवेन्यू में केस दर्ज करके कार्रवाई अमल में ली गई है। उन्हें कहा कि इस तो बाद ही यह कामयाबी हासिल की गई है तो दोषियों तो वारदात में वरत्या पिस्टल बरामद किया गया। थाना घुमाण की पुलिस ने उस वेले वड्डी सफलता मिली जदों पुलिस ने हैरोइन समेत तीन नौजवानों काबू किया है। इस संबंधी जानकारी दिंदा थाना मुखी घुमाण परमिंदर सिंह संधू ने दस्सिया कि पुलिस पार्टी ने तीन नौजवानों रोके तलाशी ली। तिना नौजवानों को तकरीबन 65 ग्राम हैरोइन समेत 5800 रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई। उन्हें कहा कि गिरफ्तार किए गए तिना नौजवानों को होर पूछगिछ की जा रही है। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन फिलहाल नहीं जाते, नज़र मारते हैं मौसम के हाल से। तुम बने रहो चढ़ती कला टाइम टीवी के साथ। धन्यवाद।